So I guess we are good to go to start off this webinar. So first of all, thank you everyone for joining in this webinar. Or aaj ka topic would be how you can algo trade your strategies using our platform by the name Speedbot. This is Ashutosh Chandra from Speedbot. So let me tell you before we start this webinar ke aaj ke session mein all your mics would be muted. Aur agar aapke koi aise suggestions hain ya aapke koi queries hain, then you can just type it in the chat box at the end of this session. Tab tak ke liye ye ek baar session aapko main pura demo de deta hu. Let me present you today's topic. Let me just share my screen with you. Is my screen visible? Type it in yes in the chat box if you can see my screen. Yes, great. So let me start off today's webinar. So the mode of communication would be Hindi and English. So jin users ko thodi bahut aise problem hogi Hindi se, to I can translate it for them in English as well. So is presentation ki baat kare ki algo trading aap kaise kar sakte hain Speedbot ke dwara. Aaj ke market conditions ke hisab se aapko kyun manual trading se algo trading pe switch karna hai. तो वो सारी चीजें हम आज इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे और कितना इजीली स्पीडबॉट आपकी मदद करता है आपके ऑटोमेटिक ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. सो द टॉपिक फॉर डिस्कशन वुड बी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, आपको एल्गो ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए. फिर हम बात करेंगे कि आप किस किस चीजों को मिला के एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं. व्हाट ऑल एलिमेंट्स डू यू नीड टू ट्रेड योर एल्गो ट्रेड्स. फिर है कि कितना कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है इफ यू गो विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रिएटिंग योर ओन एल्गोस, और स्पीडबॉट कैसे आपकी मदद कर सकता है इन कॉस्ट्स को रिड्यूस करने के लिए. फिर हम बात करेंगे कि किन किन लोगों के लिए स्पीडबॉट जरूरी है, किन किन लोग यूज कर सकते हैं स्पीडबॉट को, और क्यों आपको स्पीडबॉट यूज करना चाहिए. वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द फीचर्स दैट स्पीडबॉट हैज जिससे आपकी ट्रेडिंग काफी ऐसे इजी हो सकती है. उसके बाद हम एक लाइव डेमो देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म का. जितने भी हमारे फीचर्स हैं स्पीडबॉट के, वो फीचर्स को हम इन डिटेल देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आप इनको अपने ट्रेडिंग करियर में यूज कर सकते हैं. फिर बात आती है एट द एंड ऑफ दिस सेशन के स्पीडबॉट की प्राइसिंग के, ट्रेडिशनल एल्गो से आपका कितना कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्पीडबॉट के प्राइसिंग में. तो चलिए आज का पहला टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग क्या है. तो लेट्स से आपके पास एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आप डेली बेसिस पे उसको ट्रेड करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, एंड मैनुअली आपके इतने ऑर्डर्स हो जाते हैं कि देर इज वन टाइम के यू डू नॉट नो के किस टाइप के ऑर्डर्स आपके एक स्ट्रैटेजी या दूसरी स्ट्रैटेजी प्लेस कर रहे हैं. तो ऐसे टाइम पे आप उन ऑर्डर्स को चाहेंगे कि आप मैन्युअली ऑटोमेट कर सकें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, आपके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे विदाउट एनी ह्यूमन एग्जीक्यूशन, राइट. तो ऐसे टाइप के लिए, ऐसे टाइप की ट्रेडिंग करने के लिए यू नीड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. तो इस कंप्यूटर प्रोग्राम को आप लिखिएगा और फिर अगर आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आप पहले जो ट्रेड्स मैन्युअली पंच करते थे ऑन डेली बेसिस, वो आप ऑटोमेटिकली अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे इजीली प्लेस कर सकते हैं. तो इस एलिमेंट की वजह से एल्गो ट्रेडिंग को काफी ऐसे फॉरेन मार्केट में सहायता मिलती है और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम लोग एल्गो ट्रेडिंग पे स्विच कर रहे हैं. इंडिया में फॉर द लास्ट 2 ईयर्स एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट काफी ऐसे डेवलप हो रहा है, एंड जो रिटेल साइड है, जो रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स भी इस सेगमेंट पे स्विच हो रहे हैं ड्यू टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस. तो एल्गो ट्रेडिंग में आप डिफाइन करते हैं आपका एक एंट्री रूल, एक एग्जिट रूल, और इस एंट्री और एग्जिट रूल को कंबाइन करके आप अपने इसके अलावा स्टॉप लॉस, टारगेट, वो भी डिफाइन कर सकते हैं. वंस यू डिफाइन सच थिंग्स एंड यू क्रिएट योर ओन एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम को आप ऑटोमेटिकली अपने ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस कर सकते हैं. एल्गो ट्रेडिंग में आपके सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भी ट्रेड हो सकती हैं.
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको कुछ ऐसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पता होंगे विच आर ट्रेंड फॉलोइंग, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे मोमेंटम बेस्ड आपके होते हैं। तो इन सब स्ट्रैटेजीज को आप क्लब करके एक अपना एल्गो बना सकते हैं। तो आपको एल्गो ट्रेडिंग क्यों चाहिए, लोग एल्गो ट्रेडिंग क्यों प्रेफर करते हैं? तो अर्लियर लाइक आई सेड के अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स या इफ योर स्ट्रैटेजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट, जहां पे आप डेली बेसिस पे अराउंड 15-20 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है आपकी, ऐसे अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होगी देन योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वुड बी यू नो ग्रेटर दैन 15-20। तो ऐसे टाइम पे आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो दैट वुड टेक केयर ऑफ ऑल योर कॉम्प्लेक्स नीड्स। तो इसलिए हमें एल्गो ट्रेडिंग यूज करनी चाहिए। फर्स्टली डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग, अभी आप एक स्ट्रैटेजी आपकी होगी दैट इज इनटू ऑप्शंस ट्रेडिंग, दूसरी स्ट्रैटेजी आपकी होगी दैट वुड बी इनटू इक्विटीज और ETFs। तो अगर इफ यू क्रिएट अ बास्केट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रेड इट मैनुअली, तो वो एक मैनुअल एफर्ट है, तो उसमें आपका जो टाइम है, वो टाइम का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहेगा। वेर इन वी टॉक अबाउट द एल्गो ट्रेडिंग पार्ट, अगर आप इन सब चीजों का, द बास्केट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स का, आप अगर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको ऑटोमेट कर देते हैं, तो आपका सबसे पहले टाइम का बचत रहेगा, आपको मैनुअली खुद कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो काफी ऐसे डाइवर्सिफाइड आपकी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो सकती है इस पर। सेकेंडली इज द प्रिसाइज एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस बाय किया फॉर 2,000 रुपीज, फिर आप प्लान कर रहे हैं उसको बेचने का फॉर अराउंड 2,200 रुपीज। तो ऐसे टाइम पे जब आप सेल ऑर्डर पे क्लिक करिए और फिर बाद में आपको वो 2,200 का प्राइस घट के 2,200-2,150 रुपए पे आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे यू वुड बी हैविंग अ लॉस ऑफ 50 रुपीज, राइट, जब तक आप वो सेल ऑर्डर प्लेस करेगा एंड इफ द मार्केट इज वॉलेटाइल, राइट। तो ऐसे टाइम पे एल्गोज हैव मोर प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, एल्गोज हैव द पावर टू गेट द ट्रेड्स इन मोर प्रिसाइज फॉर्म। इसलिए मार्केट डेटा, जो आपका लाइव मार्केट डेटा है, उस पर आप एंट्री और एग्जिट प्राइस को मैंशन करके आप अपने जो आपने जो प्राइसिस बताए हैं, तो वो प्राइसिंग पे आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वेरी प्रिसाइजली। थर्डली आई विल टॉक अबाउट द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी। सो टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, के अभी आप मैनुअली कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक वहां पे ह्यूमन इमोशन है, रहेगा ही, कि आप अपने जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं, लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, यू वुड बी होल्डिंग देम फॉर अ लॉन्गर टाइम होराइजन, वेर इन आपको अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिख गया तो यू विल जस्ट टेक इट आउट, राइट। एल्गोज यूजुअली हैव अ बेटर रिस्क मैनेजमेंट दैन ह्यूमन बींग्स, आप पहले से रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स को डिफाइन करके अपने एल्गो में उस चीज को इनपुट कर दीजिएगा, तो फिर बाद में एक आपको लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी मिलेगी। अगर आप एक हफ्ते में आपका ह्यूमन, आपने मैनुअली ट्रेड्स जो प्लेस किए विथ ह्यूमन एरर्स, दे आर प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, राइट, तो वैसे केस में इन द लॉन्ग रन उतना वो वायबल और सस्टेनेबल नहीं रहेगा इफ यू आर ट्रेडिंग मैनुअली। यू नीड टू हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन फिजिकली एंड मेंटली वाइल यू आर ट्रेडिंग मैनुअली। वेर इन आई टॉक अबाउट द एल्गोज, इफ यू लीव एवरीथिंग टू द एल्गोज, तो वहां पे आपका जो ये ह्यूमन इमोशन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, और इन द लॉन्ग रन जो वायबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो वो वायबिलिटी आपकी अचीव हो सकती है विथ द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ योर एल्गो सिस्टम। नेक्स्ट अप इज द इजीली स्केलेबल पार्ट। तो अभी जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट है और आपको उस पर दो स्ट्रैटेजीज रन करनी है साइमल्टेनियसली, तो आपका माइंड इस तरीके से आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप एक टाइम पे दो स्ट्रैटेजीज को रन कर पाए। लेकिन यूजुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन माइंड टू यू नो कैच अप सच थिंग्स। इसलिए एल्गोज हैव द टेंडेंसी, दे हैव द फीचर कि आप एक अकाउंट पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एट वंस रन कर सकते हैं विदाउट यू पंचिंग एनी ऑर्डर्स मैनुअली। दूसरी चीज कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं और अगर आपको उन पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन करनी है, लेट्स से आप एक स्ट्रैटेजी ही रन करना चाहते हैं,
तो ऐसे टाइम पे आप मल्टीपल अकाउंट एग्जीक्यूशन एनेबल कर सकते हैं यूजिंग द एल्गोज। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके रहते हैं एल्गो ट्रेडिंग के लिए। तो किन चीजों से एल्गो ट्रेडिंग बनती है, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे एल्गो ट्रेडिंग बनती है? तो सबसे पहले आपको अगर आप खुद का एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, देन यू नीड टू हैव अ मार्केट डेटा। दिस डेटा कुड बी हिस्टोरिकल एज वेल एज लाइव मार्केट डेटा। आपको अगर सिस्टम अपना बनाना है तो सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल मार्केट का डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं फॉर दोज ऑफ यू हु आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट, इवन यू गाइज नो के हाउ कॉम्प्लेक्स आर सच इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें इतना डेटा, मतलब के वीक ऑन वीक, मंथली वीकली एक्सपायरीज का डेटा रहता है, एंड दैट टू अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस का। तो इट्स इट्स इन अ वेरी एक्सटेंसिव फॉर्म ये डेटा। और ये जो रॉ डेटा है, फर्स्टली यू नीड टू क्लीन दैट इन इन सच अ वे के जो आपकी स्ट्रैटेजी है, सिर्फ उतना डेटा आप अपने स्ट्रैटेजी के लिए ले पाए और उस पर अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर पाए। तो मार्केट डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग इज द इनिशियल स्टेप वाइल यू नो क्रिएटिंग एन एल्गो ट्रेडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएशन। अब हमारे पास डेटा तो आ गया है मार्केट का, लेकिन अब उस डेटा पे हमको क्या टेस्ट करना है? तो उसके लिए हमारे पास ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज होने चाहिए, किस टाइप के हमको स्ट्रैटेजीज बनानी है। दीज स्ट्रैटेजीज कुड बी ऑन इंट्राडे बेसिस पे बन सकती है, पोजिशनल बेसिस पे बन सकती है। इसके अलावा इफ यू वॉन्ट टू यूज इफ यू आर इन टू टेक्निकल एनालिसिस, देन यू कैन यूज इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन अगर आप थोड़े डिस्क्रिशन बेस्ड ट्रेडर हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे आप अलग अलग आइडियाज बना सकते हैं, राइट? तो द सेकेंड स्टेप इज टू हैव एन आइडिया कि किस टाइप की आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज द स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। एक बार आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ गई, यू हैव एन आइडिया कि मुझे ये स्ट्रैटेजी बनानी है मेरे हिस्टोरिकल डेटा पे, उसको फिर टेस्ट करना होगा। तो दैट्स वेयर द स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। तो इस स्टेज में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करिएगा हिस्टोरिकल डेटा पे सबसे पहले, एंड इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो हिस्टोरिकल जो रिजल्ट्स थे आपकी स्ट्रैटेजी के, वो कितने कितने इफेक्टिव थे, और उसकी वायबिलिटी आपको पता चलेगी इन फ्यूचर कि इज दिस स्ट्रैटेजी वायबल फॉर मी व्हेन आई विल ट्रेड इट इन द लाइव मार्केट्स और नॉट। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। जो आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स आपकी रहती हैं, तो डिटेल्ड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स आप असेस कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज के। और एक बार असेसमेंट करने के बाद आप उन स्ट्रैटेजीज को लाइव ट्रेडिंग में ले जा सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल मोस्ट पार्ट इन एलिमेंट्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, के आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, उसको आपने मार्केट डेटा पर बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट करने के बाद आपको अगर सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उनको लाइव ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप पे ले जाइएगा। लाइव ट्रेडिंग में आपको इस स्ट्रैटेजी को आप कुछ टाइम के लिए देखेंगे। आप शायद मिनिमम क्वांटिटी से शुरुआत कर सकते हैं, कम क्वांटिटी से शुरुआत कर सकते हैं, या तो कम कैपिटल से शुरुआत करते हैं टेस्ट करने के लिए। एंड वंस यू हैव द कन्विक्शन, देन एनी टाइम आप स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स थे एल्गो ट्रेडिंग के। तो अब किस किन टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व हैं एल्गो ट्रेडिंग में, वो हम देखेंगे हमारे अगले स्लाइड में। कि ये सारी चीजें तो मैंने मना दी, लेकिन इसका कितना प्राइस लगता है? हाउ मच डू यू नीड टू पे टू एक्सेस ऑल सच एलिमेंट्स इन एल्गो ट्रेडिंग? तो सबसे पहला मैंने बात किया कि मार्केट डेटा। तो मार्केट डेटा आपको अलग अलग सोर्सेस से मिल सकता है, पर इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ हार्ड कोर एल्गो ट्रेडिंग जिसकी एकदम प्रीमियम क्वालिटी की डेवलपमेंट रहती है, तो उसके लिए यू नीड टू बाय एनएसई सर्टिफाइड डेटा वेंडर से हिस्टोरिकल डेटा। तो वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 1 लाख ऑफ रुपीज। तो ये डेटा काफ़ी ऐसे प्रीमियम रहता है, प्रीमियम क्वालिटी का डेटा रहता है, और इस डेटा पे आप अपने स्ट्रैटेजीज को आइडिएट करके उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारे मार्केट डेटा की। नेक्स्ट अप इज द स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड बैक टेस्टिंग। तो इस केस में इफ यू योरसेल्फ आर अ कोडर एंड यू हैव अ नॉलेज इन फाइनेंस, तो ऐसे केस में आपको कुछ ऐसा ज्यादा कॉस्ट रहेगा नहीं। बट
इफ यू आर अ हार्ड कोर ट्रेडर या इन्वेस्टर जो जिनके पास खुद की ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन वो ऐसे ढूंढ रहे हैं लोगों को जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और इन स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकें, तो वैसे केस में जो स्ट्रैटेजी क्रिएटर है, जो कोडर है, प्रोग्रामर, उसको फाइनेंस का उतना नॉलेज नहीं रहेगा। तो उस नॉलेज नहीं रहने का कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25K टू 1 लाख रुपीज अगर आप खुद का कस्टम स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं, तो इसमें आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भी आप कर सकते हैं। तो ये थी बात स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और बैक टेस्टिंग की। इसके बाद लाइव ट्रेडिंग, एक बार आपने बैक टेस्ट कर लिया और आपके पास ऐसे सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आ गए, तो द नेक्स्ट स्टेज इज टू टेक द स्ट्रैटेजी लाइव। हम उन स्ट्रैटेजीज को लाइव करेंगे लाइव मार्केट्स में। तो उसके लिए आपको आपके ब्रोकर से एक API क्रिएट करना होगा। यूजुअली APIs का एक कॉस्ट होता है फॉर मेनी ऑफ द ब्रोकर्स इन इंडिया एंड फ्यू ऑफ द ब्रोकर्स प्रोवाइडेड फॉर फ्री। तो ये कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा सो दैट यू कैन कैरी आउट ऑटोमेटिक ट्रेड्स ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट अप इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूजुअली व्हेनेवर यू क्रिएट एन एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एल्गो ट्रेडिंग बॉट्स इफ आई मे से, तो ऐसे बॉट्स को आपको क्लाउड में डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि आपका चांसेस हो सकता है कि अगर आप एक सिस्टम पे, एक कंप्यूटर सिस्टम पे आप अगर कोई भी एल्गो रन कर रहे हैं, तो देर वुड बी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो देर वुड बी चांस कि आपका पावर कट हो सकता है, फिर आपका कनेक्टिविटी आउटेज हो सकता है, या आपका ब्रोकर का API डाउन हो सकता है। तो ऐसे केस में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वुड हेल्प यू टू यू नो मिनिमाइज सच ड्रास्टिक थिंग्स फॉर योर एल्गो सिस्टम। तो ये सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हैं हमारे एल्गो ट्रेडिंग में। तो अब बात करते हैं कि स्पीडबॉट कैसे इन सब कॉस्ट को मिनिमाइज करता है आपके लिए, और कैसे एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जिस ट्रेडर का होता है या इन्वेस्टर का होता है, या एक बिगिनर जो एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है, जिसके पास उतना टाइम नहीं है टू स्पेंड इन द मार्केट्स, और जो रेडीमेड स्ट्रैटेजीज देख रहा है या खुद की स्ट्रैटेजी वो बना रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पीडबॉट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उनको वो एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा इन एल्गो ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी डिजाइनर, अगर आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी है जो आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो उन स्ट्रैटेजीज को आप बॉट बिल्डर प्लेटफॉर्म पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे, और उसके अलावा बैक टेस्टिंग के अलावा आप उसको पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज द प्रिसाइज बैक टेस्टिंग। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपने उसको हिस्टोरिकल डेटा पे बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट करने के बाद एक काफी डिटेल्ड फॉर्म में आपको रिपोर्ट मिलेगी जो आपके असेसमेंट के लिए काफी अच्छा होगा। आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रैटेजी की वायबिलिटी कितनी है, सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रैटेजी को आप मैन्युअली यूज करते आ रहे थे अभी तक, वो स्ट्रैटेजी को अगर मैं ऑटोमेट करता हूं तो कितना फर्क आएगा। तो ये सारी चीजें हमारे डिटेल्ड बैक टेस्ट रिपोर्ट में हम देखेंगे, और आगे जाके इन फ्यू मिनट्स हम वो डेमो में भी देखेंगे डिटेल्ड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को कैसे असेस करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके। थर्ड वन इज द ऑप्टिमाइजेशन। अगर आज के टाइम पे आपने एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया और आपको उतने सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिले, राइट, तो आपको आपको है कि इसमें अगर मैं एक चीज या दो चीज चेंज करूं, तो फिर बाद में अगर आपको फिर बाद में रिजल्ट्स में थोड़ा सुधार मिलता है, तो फिर बाद में आप वो चीज भी कर सकते हैं हमारे बैक टेस्टिंग इंजन में बाय चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ योर ट्रेडिंग बॉट्स। तो ये चीज आप तब करते हैं जब आपको टेस्ट करना है अलग अलग मार्केट कंडीशंस में आपकी स्ट्रैटेजीज को। फिर बात आती है कि आप एक बार अपने ट्रेडिंग बॉट्स से सैटिस्फाइड हैं, तो फिर बाद में आप उसको टेस्ट करेंगे लाइव मार्केट्स में। तो उसके दो प्रकार हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे दिए हैं। एक है पेपर ट्रेडिंग मोड, कि अगर आपको रियल मनी इन्वॉल्व नहीं करना है इनिशियली, तो आप वर्चुअल मनी यूज करेंगे बाय मींस ऑफ पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में फिर बाद में आप उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एक बार आपको जब कन्विक्शन मिलता है तो फिर बाद में आप उसको लाइव ट्रेडिंग, मतलब कि अपने डीमैट अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स थे जो स्पीडबॉट ऐसे आपको प्रोवाइड करता है।
किन लोगों के लिए स्पीड बॉट है, हु कैन यूज स्पीड बॉट? तो फर्स्टली इंडिविजुअल ट्रेडर्स हु हैव नो टाइम टू लुक इन टू द मार्केट्स, हु डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजीज, हु आर लुकिंग फॉर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज, उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सबसे पहले ऐसे लोगों को आपके पास आप एक बिजनेसमैन हैं या आपके एक डे टू डे जॉब है जिसमें आप बिजी रहते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ऐसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके रेडीमेड स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करके उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें उनको कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अप इज द इंस्टीट्यूशन एंड द ट्रेडिंग फर्म्स। तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हु आर यू नो ट्रेडिशनली यूजिंग ऐप एंड पंचिंग ऑर्डर्स मैनुअली, तो वैसे केस में दे आर लुकिंग फॉर ऑटोमेशन, ट्रेडिंग फर्म्स आर लुकिंग फॉर ऑटोमेशन कि उनको ऐसी चीज़ें चाहिए जिनसे उनके ऑर्डर्स मैनुअली प्लेस हों, उनके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, कस्टम स्ट्रैटेजीज हैं जो वो क्रिएट करके उनको डिप्लॉय कर सके मल्टीपल अकाउंट्स में। तो ऐसे टाइम के लिए, ऐसे टाइप के लोगों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं या रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं या फिर सब ब्रोकर हैं किसी ब्रोकिंग फर्म के, तो आपके पास एक बैंडविड्थ चोकअप रहता है इनिशियली कि आपको इतने ज़्यादा तादाद में अकाउंट्स को हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। यूजुअली सब ब्रोकर्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स दे गो विद द ट्रेडिशनल मीन्स के दे गिव सम ट्रेडिंग टिप्स और ट्रेडिंग कॉल्स इन टेलीग्राम चैनल या फिर उनका क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप होता है। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ऑप्शंस, वहाँ पे जब तक आप एक कॉल, ट्रेडिंग कॉल या ट्रेडिंग टिप दीजिएगा टेलीग्राम के चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो तब तक वो जो एंट्री प्राइस जो मेंशन किया होगा वो एंट्री प्राइस पार कर गया होगा आपका मार्केट। तो ऐसे केस में अगर आपको एग्जीक्यूशन एकदम सिंक रखना है अपने सभी यूजर्स के लिए, अपने सभी क्लाइंट्स के लिए, तो वैसे केस में उन लोगों के लिए हमने स्पीड बॉट बनाया है। सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स फॉर स्पीड बॉट। तो आप पूछेंगे कि स्पीड बॉट में ऐसा क्या है जो अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में नहीं है? तो फर्स्टली सबसे पहला फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अब फॉर समवन हु इज अ वेटरन, फॉर समवन जिसको काफी एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, तो दे यूजुअली डू वन थिंग, दे यूजुअली लॉग देयर ट्रेड्स। वो ट्रेड बाय ट्रेड, ऑर्डर बाय ऑर्डर लॉग करते हैं उनका पीएनएल, तो इसके हिसाब से उनको पता रहता है कि उनका एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस कितना है। तो इसमें सबसे पहला हमने जो कंपोनेंट रखा है, ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी के लिए हो सकती है या हमारे जो मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजीज है उनके लिए, आप ये चीज इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द मैक्सिमम लॉस। तो एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड मुझे पता है मेरे बॉट का कितना है, हिस्टोरिकली पता है, लाइव मार्केट्स में मैं पता कर सकता हूं, तो इस हिसाब से मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे अपनी पोजीशन, मेरा बॉट कहाँ काटेगा और कहाँ उसने नहीं काटी, और इस हिसाब से मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ फ्यूचर में और लाइव मार्केट्स में उससे एक अल्फा जनरेट कर सकता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स थे रिस्क मैनेजमेंट में। नेक्स्ट अप इज द एग्जीक्यूशन मैनेजर। अभी के टाइम पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाइएगा, वहां पे आप देखिएगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स प्लेस हुए। अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होगी ट्रेड करने को, तो आप वो सेग्रीगेशन बिल्कुल नहीं कर पाइएगा कि कौन से ऑर्डर्स कौन से स्ट्रैटेजी ने प्लेस किया। तो यहां हम ये सेग्रीगेशन देते हैं हमारे ये एग्जीक्यूशन मैनेजर में इन डिटेल। ये अब कुछ ही देरों में हम इसका एक डेमो भी देखेंगे कि कैसे ये सब चीज आप मार्केट प्लेस में जाके एक्सेस कर सकते हैं, और हर एक स्ट्रैटेजी के लिए, इनफैक्ट आप खुद की स्ट्रैटेजी के लिए भी कर सकते हो और मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजीज के लिए भी। तो एग्जीक्यूशन मैनेजर एक काफी पावरफुल चीज है जो आपको हेल्प करता है सेग्रीगेट करने के लिए आपके ट्रेड्स। नेक्स्ट अप इज द पोर्टफोलियो मैनेजर। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, दो स्ट्रैटेजीज को आप साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं एक अकाउंट में। ऐसे केस में आपको आइडिया उतना इजीली आएगा नहीं कि किस स्ट्रैटेजी मेरी बेस्ट परफॉर्मिंग है, कौन सी वर्स्ट परफॉर्मिंग है दोनों स्ट्रैटेजीज में से।
राइट, जब तक आप उसको एक्सेल शीट पे डॉक्यूमेंट या लॉग नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट मेंटेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एक अकाउंट पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को रन करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग बॉट्स मतलब कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आपको पीएनएल का ब्रेकअप भी मिल जाएगा ऑन लाइव एंड हिस्टोरिकल बेसिस भी। तो इसमें आपको पोजीशंस भी पता चलेंगे, आपके कितने पोजीशंस अभी तक लिए हैं आपके एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने, कितने दिनों के लिए वो रहा है और कितना पीएनएल और चार्जेस लगा है। तो ये सब चीजें हम डेमो में भी देखेंगे। फिर ट्रेड सिग्नल जनरेटर, अभी जैसे मैं सेग्रीगेशन की बात कर रहा था कि आपके पास दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं एंड वाइल लुकिंग एट योर ऑर्डर्स प्लेस्ड ऑन द ब्रोकर और द टर्मिनल, तो वहां पे आपको आपके ऑर्डर्स एक साथ दिखेंगे, आपको सेग्रीगेशन मिलेगा नहीं कि अभी जो मेरा एंट्री या एग्जिट या स्टॉप लॉस हिट हुआ वो कौन से मेरी स्ट्रैटेजी का था। राइट, तो ये सेग्रीगेशन हम स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको दिखाते हैं। और लाइव मार्केट्स में जब भी आपके एंट्री या एग्जिट होते हैं फॉर वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, सो वो स्ट्रैटेजी का टैग आपको दिखेगा कि अभी इस स्ट्रैटेजी ने एंट्री ली है। नेक्स्ट अप इज द कस्टम ट्रेडिंग बॉट। अगर आप एक स्ट्रैटेजी क्रिएटर हैं तो आप हमारा बॉट बिल्डर प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, काफी पावरफुल है आपके बैक टेस्टिंग नीड्स के लिए और आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपको उतने सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप उसके कुछ पैरामीटर्स को ट्वीक करके वापस उसको रन भी कर सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं रिजल्ट से तो आप उस स्ट्रैटेजी को लाइव भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डेमो के लिए। तो सबसे पहले मैं speedbot.tech पे जाऊंगा। यहां पे हमारा ये वेब बेस्ड वर्जन अभी मैं एक्सेस करने जा रहा हूं, और आप अगर चाहें तो हमारा प्ले स्टोर वर्जन या फिर एप्पल स्टोर वर्जन भी देख सकते हैं मोबाइल ऐप्स के लिए। तो ट्राई इट नाउ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा डेमो अकाउंट है, इस पे मैंने साइन इन किया। साइन इन करते ही, ओ फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू जस्ट सी माय स्क्रीन, कैन यू सी दिस टैब दैट आई हैव शेयर्ड, टाइप इट इन यस इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके ग्रेट ग्रेट, सो लेट मी रिज्यूम। ओके सो जैसा कि मैंने बताया और ये लाइक आई सेड के स्पीड बॉट प्रेफर्स टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। सबसे पहला है आपका लाइव ट्रेडिंग, यानी कि आपको अगर स्ट्रैटेजीज रन करनी है जो लाइव मार्केट में रन हो और आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे रन हो, तो ये आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने लाइव मार्केट में रन करी है और ये मेरे ब्रोकर अकाउंट से लिंक्ड है, तो मेरे ब्रोकर अकाउंट में ये फायर होते हैं ये जितने भी स्ट्रैटेजीज है। और जो सेग्रीगेशन है स्ट्रैटेजी का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फॉर एग्जांपल कैप्टन बुल करके जो स्ट्रैटेजी है उसने टोटल प्रॉफिट अभी इतना दिया सिंस 14 डेज और इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ये सब लगा। तो ये इन डिटेल क्या क्या पैरामीटर्स है ये अभी हम कुछ ही देर में हम देखेंगे। तो लाइव मार्केट्स में ये ट्रेडिंग की गई है मेरे ब्रोकर अकाउंट पे जैसा कि मैंने बताया, और उन लोगों के लिए जिनको उतना कन्विक्शन नहीं है कि हाउ एल्गो ट्रेडिंग वर्क्स विद स्पीड बॉट, या उनको दे जस्ट वांट टू हैव अ फील कि हाउ ऑटोमेटेड ऑर्डर्स आर प्लेस्ड हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए पेपर ट्रेडिंग मोड हमने एनेबल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर ट्रेडिंग मोड में कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने पेपर ट्रेड करी है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ओके तो ये दो टाइप की ट्रेडिंग है जो आप अपने अकाउंट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे फिर मार्केट वाला सेक्शन है, सो दिस इज स्पीड बॉट्स मार्केट प्लेस। यहाँ पे वेल क्यूरेटेड मार्केट प्लेस में ऑप्शंस निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे ओवर हियर यू कैन सी द निफ्टी थीटा हंटर्स कैटेगरी। तो इसमें आपका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं कि मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज के अराउंड ज्यादा फोकस है ये सेगमेंट का, और इसमें अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होगी वो निफ्टी ऑप्शंस होगी। सेम फॉर बैंक निफ्टी थीटा हंटर्स, यहाँ पे आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी रहेगा। और ट्रेंडी ऑप्शंस, यहाँ पे जो आपके मोमेंटम बेस्ड जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसमें हमने हर एक स्ट्रैटेजी के साइड में एक टैग रखा है जो आपका रिस्क डिफाइन करता है फॉर दैट स्ट्रैटेजी।
तो इसमें लोगों को फॉर समवन हु यू नो स्ट्रेसेस अ लॉट ऑन रिस्क मैनेजमेंट, तो वो इन टैग्स को देख के इनके रिपोर्ट्स को असेस कर सकता है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट गो टू दिस फोर्थ अंपायर निफ्टी. ये स्ट्रैटेजी हमने सिलेक्ट की, इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट अभी हम असेस करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स आपको देखने चाहिए व्हाइल यू आर सीइंग द बैक टेस्ट रिपोर्ट. तो सबसे पहले कि ये स्ट्रैटेजी का नाम आप देख सकते हैं सामने, एनुअली कितना रिटर्न इसने जनरेट किया है ऑन एनुअल बेसिस, तो वो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं. तो ड्रॉडाउन, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो देख सकते हैं आप. ये इसकी बेसिक एक परफॉर्मेंस, एक स्नैपशॉट आपको दिखेगा इस स्ट्रैटेजी का, किस टाइप की पोजीशन ये लेता है. ये स्ट्रैटेजी आपकी इंट्राडे बेसिस पे बनाई गई है, तो उस बेसिस पे ये ट्रेड होती है ऑन इंट्राडे बेसिस. लो रिस्क यहाँ पे टैग है. अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी को मैंने पेपर ट्रेड मोड पे रखा है. इसको एक बार मैं सारे इसके बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स को एसेस कर लेता हूँ, फिर इसको हम लाइव भी देखेंगे कि कैसे इसको लाइव मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे. तो यहाँ पे आप इसका इक्विटी कर्व देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी का, कि दिस स्ट्रैटेजी स्टार्टेड सिंस 1 मार्च 2019 से लेके अभी तक जैन 2022 तक, ठीक है. या तो इसका एक इक्विटी कर्व आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट हर एक स्ट्रैटेजी का आप इक्विटी कर्व देख सकते हैं. फिर आप, ये था आपका पोर्टफोलियो का इक्विटी कर्व. रिटर्न्स पे आप जाइएगा, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट. ओके परफेक्ट. रिटर्न्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मंथ ऑन मंथ रिटर्न कितना एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने बनाया वो आपको दिखेगा यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं ये एक बार चार्ट फॉर्म में आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सारे स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ अप्रैल 2021 आपका कैपिटल इतना था और आपका परसेंटेज जो PNL था वो मेंशन किया गया है. यहाँ पे आपका -2.71% है. तो इस हिसाब से आप मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजीज एज वेल एज अपनी स्ट्रैटेजीज को असेस कर सकते हैं. आपको कुछ ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा कुछ भी. पोजीशंस और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कितना लेता है, बाय पोजीशंस आई मीन द नंबर ऑफ ट्रेड्स द स्ट्रैटेजी हैज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, तो वो देख सकते हैं ऑन एन एवरेज कितना रहता है. और इंट्राडे बेसिस है तो आप समझ सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से इसने कितने ट्रेड जैसे लिए हैं. तो द बेस मिनिमम कैपिटल यू नीड टू ट्रेड दिस एल्गो स्ट्रैटेजी इज 7 लाख जो आपको चाहिए. हर एक स्ट्रैटेजी का हमने एक इनिशियल कैपिटल ट्राई किया है डिफाइन करने का. और इसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में आप देखिए कि 3 साल के लिए टेस्ट हुई है. नंबर ऑफ पोजिशंस दैट इट हैज टेकन इज 5750. इसके बाद जो टोटल प्रॉफिट है, जो आपका टोटल PNL जो बनता है, सो दिस फिगर इज एक्सक्लूडिंग दिस इनिशियल कैपिटल. ओके, तो ये जो टोटल प्रॉफिट है ये आप फिगर देख सकते हैं. लेकिन यूजुअली जो ट्रेडिशनल बैक टेस्टिंग होती है, जो इंडिया में लोग जो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे इग्नोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द चार्जेस एंड टैक्सेस. ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इन द बैक टेस्टिंग कि यू नीड टू एड दीज चार्जेस सो दैट यू नो यू कैन हैव द नेट प्रॉफिट. अगर आप टोटल प्रॉफिट देख के ही असेस करें कि नहीं मेरी स्ट्रैटेजी इज वेरी प्रॉफिटेबल एंड इट विल वर्क इन द लॉन्ग रन, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग यू नो. और अगर आप चार्जेस एंड टैक्सेस अज्यूम करें तो उस हिसाब से आप जो नेट प्रॉफिट है आपको आइडिया लगेगा कि कितनी मेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है आफ्टर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड. फिर बात आती है एनुअल रिटर्न की. तो ये एनुअल रिटर्न मेंशन किया है कि सालाना कितना परसेंट ये देती है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है कि उसने इक्विटी कर्व का एक पीक मारा होगा, दैट वुड बी द ऑल टाइम हाई. तो वो ऑल टाइम हाई से फिर बाद में जब वो एक बॉटम पे आता है जो उसके प्रीवियस हाई को ब्रीच करता है, तो वो डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव मेंशनड ओवर हियर. एंड द शार्प रेशियो के रिस्क फ्री रिटर्न्स को ये कितने रेशियो से ये आउट परफॉर्म कर रहा है. रिस्क फ्री रिटर्न्स आर यूजुअली 6% जो RBI ने अभी डिफाइन किया है, 6 और 4.5 टू 6%.
जो रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था अर्लियर स्लाइड्स में कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस ये पर ट्रेड के हिसाब से है, तो ये 1600 रुपये का आपका प्रॉफिट अगर होगा तो देगा, और एवरेज लॉस जो है वो 1200 रुपये का। तो ये हिस्टोरिकल आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आप अगर इसको लाइव ट्रेड करें या पेपर ट्रेड करें तो आप इन सिंक चेक कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली जो ये कर रहा था ट्रेड वो एक्चुअली में लाइव मार्केट्स में वो चीज़ अभी कर रहा है या नहीं, वो इन सिंक बैठ रहा है या नहीं। फिर आपके मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस ये मेंशन किए गए हैं फिगर्स, ये पर ट्रेड के बेसिस पे हैं। तो पोजीशंस में आप जाइएगा एक बार, यहाँ पे 5750 पोजीशंस लिए हैं इस बॉट ने, तो यहाँ पे आप पर ट्रेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, राइट। अभी इसमें आप फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इट बॉट 16800 का पुट 3 फेब 2022 का, और इट्स सोल्ड, और फिर वहाँ एंट्री टाइम इसकी आप देख सकते हैं, एंट्री प्राइस मिल गई आपको, एग्जिट टाइम और एग्जिट प्राइस, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन था उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज दैट यूजुअली पीपल इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग वाइल असेसिंग बैक टेस्टिंग, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पोजिशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं, फर्दर ब्रेकअप के चार्जेस एंड टैक्सेस जो आपका डिस्काउंट ब्रोकर के हिसाब से एस्टिमेशन जो है वो कितना है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, और उस हिसाब से आपका जो नेट प्रॉफिट था फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड वो कितना था। तो ऐसे ही आप सभी ऑर्डर्स को सभी पोजिशंस को देख सकते हैं और कितने टाइम के लिए कितने ड्यूरेशन के लिए ये होल्ड किया ट्रेडिंग बॉट ने, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो सेम डे एक और जो ऑर्डर प्लेस हुआ था उसका भी यहाँ पे चार्जेस फिर लगाया है, तो ये काफी ऐसे डिटेल्ड फॉर्म में आप हिस्टोरिकल डेटा को भी देख सकते हैं, और सेम चीज आप पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेडिंग में भी देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हिस्टोरिकल पोजिशंस अगर जैसा कि मैं बोल रही ये स्ट्रैटेजी सिंस 1 मार्च 2019 को ट्रेड हुई थी, तो तब से लेके अभी तक के आपके पोजीशंस यहाँ दिख जाएंगे। देखिए ये 1 मार्च के एंट्री एग्जिट्स हैं, उसका भी आपको ब्रोकरेज दिख जाएगा पर लेग के हिसाब से। ये बात थी पोजीशंस की। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द ऑर्डर्स सेक्शन, ऑर्डर्स में आपको सेग्रीगेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्पीड बॉट है वो आपको नोटिफाई करेगा कि आपके कौन से ऑर्डर्स एंट्री वाले थे कौन से ऑर्डर्स एग्जिट वाले थे। तो यहाँ पे कुछ टैग्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि ये LQ मतलब कि आपके ऑर्डर्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं, EN जो आपके हैं वो टैग्स वो एंट्री वाले हैं, जो आपके स्टॉप लॉस वाले होते हैं उसमें SL लिखा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर यू कैन सी द टैग इज SL लेग, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसको भी आप एक्सपैंड और मैंने कोलैप्स कर सकते हैं, परफेक्ट। तो वापस मैं इसके बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पे आता हूं, और जैसा कि आपको अगर चेक करना है कि किस स्ट्रैटेजी किस अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे आप सिंबल्स में NIFTY 50 देख सकते हैं, तो ये निफ्टी इसका अंडरलाइन सिंबल है और इसके बेसिस पे ये ऑप्शंस लेता है। तो बात करते हैं P&L समरी की। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट वाइल यू आर चेकिंग आउट द बैक टेस्टिंग रिपोर्ट। तो अभी जैसे P&L समरी पे मैं गया, तो ये मेरे को एक कैलेंडर मोड में मेरे को डेली बेसिस के ब्रेकअप मिल जाएंगे फॉर माय P&L, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो फीस वाला बटन है दैट इज बीन डिसेबल्ड, इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस समरी ओनली इंक्लूड्स द क्लोज्ड पोजिशन, राइट। सो यहाँ पे व्हाट इफ आई एनेबल दिस फीस बटन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस समरी ओनली इंक्लूड्स द क्लोज पोजिशंस विथ एस्टिमेटेड फीस कंसिडर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एस्टिमेटेड फीस, अगेन जो आपका जो ब्रोकरेज कॉस्ट जो था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर जो था, और पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको वो फिगर मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल इफ आई डिसेबल दिस एंड आई लुक एट दिस डेट, 25 जनवरी को मेरे टोटल 8 पोजिशंस थे और माई प्रॉफिट वॉज 10,330, राइट। अभी दिस इज विदाउट इंक्लूडिंग द फीस।
अभी मैं अगर इसमें फीस को इंक्लूड करता हूं तो इनिशियली इट वॉज 10,330, पर आफ्टर फीस इंक्लूजन ये आपका हो जाता है फिगर घट के 9,859, राइट। तो अभी मैं सेम चीज करूंगा मेरे लॉस मेकिंग ट्रेड के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस ट्रेड 18th को, या 18th जन को द बॉट टुक 8 ट्रेड्स और उसमें 9,260 का लॉस था। अभी अगर मैं इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करता हूँ, इसको फीस को एनेबल किया मैंने, तो ये 9,680 का 9,707 हो गए ऐसा। तो इस हिसाब से आप हर एक दिन का देख सकते हैं, हर एक मंथ का देख सकते हैं। लोड मोर पे आपने क्लिक किया तो पुराने पीएनएल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यस, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस ऑल सच मंथ्स फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ही आपको दिखेंगे ये मोड पीएनएल समरी के। तो काफी ऐसे डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट वे में हमने हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो जो यूजर्स हैं उनके लिए मेंशन किए हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको समरी मोड पे आप क्लिक करते हैं, ये अभी कैलेंडर मोड पे आपका था, अगर इसको आप समरी मोड पे क्लिक करते हैं, समरी मोड पे आपको एक रो बाय रो फॉर्म में आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे मंथली। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ पे जन 2022 में मेरे 9,920 का मेरा लॉस था, -1.42 ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इफ आई एनेबल दिस फीस बटन, आपके देख सकते हैं लॉसेस जो हैं वो डबल हो गए, राइट, जब आपने ब्रोकरेज और जो अदर कॉस्ट जो है वो इंक्लूड किया। तो ऐसे केस में वही मैं आपको बोल रहा था कि ट्रांसपेरेंसी हमारे एंड से हमने पूरी रखी है कि आपको आपके ब्रोकरेज कितने लगते हैं, एक स्ट्रैटेजी में कितने ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो एक ट्रांसपेरेंट आपकी स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट है, डिटेल्ड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है, वो आपको मिलेगी। तो ये आप हर एक मंथ के लिए देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज के क्या थे, और हर एक स्ट्रैटेजी के लिए जैसा कि मैंने बताया आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और स्टेटिस्टिक्स हम देखेंगे। ट्रेड स्टेटिस्टिक्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड्स आप देख सकते हैं कि एवरेज आपका विनिंग ट्रेड कितना जाता है, एवरेज लूजिंग ट्रेड कितना जाता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है। स्ट्रीक्स आप देख सकते हैं कि कंजेक्यूटिवली कितने टाइम के लिए इसकी विनिंग स्ट्रीक थी, ये सब चीजें हैं। टाइम आप देख सकते हैं, बिफोर बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली होल्ड ऑन टू द लॉस मेकिंग ट्रेड्स, जो लॉस वाले ट्रेड्स हैं वो अच्छे खासे टाइम के लिए वो होल्ड करते हैं और होप करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल होगा और मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिटेबल जो आपके जो अच्छे स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स का टाइम कम है कंपेयर टू द विनिंग ट्रेड्स, तो वो एक आप ऑन एन एवरेज असेसमेंट देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे फैक्टर्स आप सेम अपने लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए भी देख सकते हैं और मार्केट प्लेस जो पे जो दी गई अदर स्ट्रैटेजीज हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं। सो द एडवांस स्टेटिस्टिक्स, तो ये स्टेटिस्टिक्स कुछ ऐसे हमने मेंशन किए हैं कि कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया, कितना एंडिंग कैपिटल था, मतलब इसमें आपका स्टार्टिंग प्लस एंडिंग कैपिटल हो गया, अगेन द ड्रॉडाउन जैसा कि मैंने आपको बताया, शार्प और बाकी सब ये चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी, विन लॉस रेशियो, विन रेट, तो कालमार, दिस कालमार इज समथिंग विच इज एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक कि आपका जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है कि मतलब हर साल कितना डबल होगा ये, वो परसेंटेज उसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन से, एंड इफ दैट फिगर इज ग्रेटर देन 2, तो फिर बाद में तब आपको असेसमेंट करने के लिए काफी अच्छा रहेगा एक स्ट्रैटेजी के लिए। शार्प रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जैसा कि मैंने बताया इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कैन बी लुक फॉरवर्ड टू बी ट्रेडेड। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एडवांस स्टेटिस्टिक्स में। और अगर आपको फिर भी समझना हो कि इन डिटेल के बैक टेस्टिंग रिपोर्ट के मेट्रिक्स को डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या क्या आपको समझना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स मेंशन किया गया, इसके साइड में एक आई बटन है, तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो हर एक चीज का आपको एक 2-3 लाइनर डेफिनेशन मिल जाएगा, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि
कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसे देखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ चार्जेस एंड टैक्सेस में मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड फीस पर ऑर्डर पर लेग के हिसाब से हमने मेंशन किया है, और डिस्काउंट ब्रोकर के बेसिस पे हमने ये फिगर कैलकुलेट किया है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने एंड से असेस कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप दूसरे बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं दूसरे स्ट्रैटेजीज के लिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और लेट्स से अगर मैंने स्ट्रैटेजी को अभी पेपर ट्रेड किया, तो यहाँ मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊँगा, लाइव के जगह पेपर ट्रेडिंग में मैं देखूंगा और फोर्थ अंपायर का फिगर मैं देखूंगा। ओके, तो ये रहा मेरा फोर्थ अंपायर का। सो सिंस लास्ट 68 डेज मैं आई हैव बीन ट्रेडिंग दिस स्ट्रैटेजी, और ये पेपर ट्रेड मोड में आप देख रहे हैं मेरे सामने, इतना अभी इसका प्रॉफिट रहा है अंटिल नाउ। एंड दिस इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आप देख सकते हैं, द चार्जेस एंड टैक्सेस फॉर फोर्थ अंपायर। तो उसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो कितना है, तो वो फिगर हमने यहाँ मेंशन किया है। और फिर आपका जो रनिंग कैपिटल है कि इनिशियल, लाइक आई सेड के आपका इनिशियल कैपिटल टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी वो 7 लाख्स, जस्ट अ मिनट, या 7 लाख्स, और उसका आप एडिशन कर दीजिएगा नेट प्रॉफिट में, तो आपका रनिंग कैपिटल जो है वो होगा 7,38,000। तो अभी अगर मैं पेपर ट्रेड मोड पे इसको रख के मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो मेरे को लाइव मार्केट्स की जो मेरी पोजीशन है, सो दीज पोजीशंस आर नॉट हिस्टोरिकल, दीज वर ट्रेडेड इन टू द लाइव मार्केट्स ऑन पेपर ट्रेडिंग मोड। तो यहाँ पे आपको उसका ब्रेकअप मिल जाएगा, जैसे मैं पोजीशंस पे गया तो अभी तक इसने 3 पोजीशंस लिए हैं। और सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में आप जो चार्जेस एंड टैक्सेस देख पा रहे थे पर ऑर्डर पर लेग, तो वो आप सेम चीज लाइव मार्केट्स में अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं स्ट्रैटेजी, तो वहां पे भी आप ये ब्रेकअप देख सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में अगर आपको लगता है कि एक दो ट्रेड्स आपके स्ट्रैटेजी के अच्छे पड़ रहे हैं लेकिन आपका ब्रोकरेज ही इतना ज्यादा हो रहा है जो आपके प्रॉफिट्स को खा जाता है, तो वैसे केस में आपको यू नीड टू अगेन लुक इन टू द स्ट्रैटेजी, राइट? तो इस तरीके से आप हर एक लेग के हिसाब से, हर एक पोजिशन के हिसाब से चार्जेस को दे सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि इस स्ट्रैटेजी को मैंने, अगर इस स्ट्रैटेजी को जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर ट्रेड मोड पे रखा है, अभी इसको लाइव ट्रेडिंग मोड में मैं करता हूं, यहां पे स्ट्रैटेजी पे क्लिक किया, मोर इन्फॉर्मेशन पे मैं गया, गो लाइव पे मैंने क्लिक किया, टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने एग्री किया और कंटिन्यू किया। सो करेंटली स्पीड बॉट सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, एक है हमारे एंजल ब्रोकिंग, एक है कोटक सिक्योरिटीज। तो एक फॉर लेट्स से आई सिलेक्ट दिस अकाउंट, और ड्यूरेशन मैं सिलेक्ट करूंगा कि कितने टाइम के लिए स्ट्रैटेजी ऐसे ट्रेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 हफ्ता देख लिया, मिनिमम कैपिटल लाइक आई सेड के 7 लाख चाहिए, तो ये हो गया। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे मैनुअली सेट करना है, कि लेट्स से मुझे सिर्फ एक दिन के लिए करना है, तो मैं डेज में डे सिलेक्ट करूंगा और काउंट में 1 कर दूंगा, तो ऐसे मैं एक दिन के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ। और गो लाइव पे क्लिक किया, तो ये स्ट्रैटेजी मेरी गो लाइव हो गई। आप लाइव ट्रेडिंग में देख सकते हैं कि फोर्थ अंपायर जो पहले इधर था पेपर ट्रेडिंग में, वो अब लाइव ट्रेडिंग में आ गया। 0 पोजीशंस आज मार्केट्स बंद है, इसलिए जो नेक्स्ट टाइम व्हेन द मार्केट्स गेट ओपन, तो तब आपके ये पोजीशंस आपके ब्रोकर अकाउंट पे लाइव हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे प्लेटफॉर्म का, और अब वापस चलते हैं हमारे स्पीड बॉट के प्रेजेंटेशन पे। ओके, सो कितना आपको देना पड़ेगा इन सब फीचर्स को यूज करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे, लाइक आई सेड के ट्रेडिशनल वे में अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, राइट, तो आपको फिर बाद में अच्छा खासा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो फर्स्टली यू गेट टू एक्सेस अ गुड अमाउंट ऑफ वेल प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी ऑफ हिस्टोरिकल एंड लाइव मार्केट डेटा, जिसपे आप अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं या हमारे स्ट्रैटेजीज को ये यूज कर सकते हैं। फिर है आप अपने ब्रोकर अकाउंट को लिंक करके उस पर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो लाइक करेंटली लाइक आई सेड कि एंजल और कोटक को हम सपोर्ट करते हैं, एंड जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब आपको आपका लैपटॉप या मोबाइल 24/7 रन नहीं करना पड़ेगा हमारे स्ट्रैटेजीज को या आपके स्ट्रैटेजीज को रन करने के लिए। तो द बेसिक प्राइसिंग मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 100 रुपीज पर मंथ आपका रहेगा अगर आप मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे बेसिक प्लान का, और उसमें आपको एक लाइव बॉट और 3 पेपर बॉट्स मिलेंगे। लाइव बॉट से मेरा मतलब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे उसको ट्रेड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और 3 आपको पेपर ट्रेड बॉट्स मिलेंगे। और अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन उसका लेते हैं तो आपको 83 रुपीज पर मंथ मिलेगा, आपको अराउंड 17% ऑफ मिलेगा डिस्काउंट, और दैट इज द आवर बेसिक प्लान। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज चाहिए, इफ़ यू वांट टू यू नो हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, तो आप स्टार्टर प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। मंथली बेसिस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1000 रुपीज आपका रहेगा, और अगर आप उसका एनुअल बिलिंग करते हैं तो आपको उस पर 17% का डिस्काउंट रहेगा, तो आपका 833 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा। उसमें आपको 3 लाइव बॉट्स मिलेंगे और 5 पेपर ट्रेडिंग बॉट्स मिलेंगे। और अगर आपको इफ़ यू वांट टू हैव मोर देन 3 स्ट्रैटेजीज बीइंग ट्रेडेड ऑन योर प्लेटफॉर्म, तो आप प्रोफेशनल और अल्टीमेट प्लान के लिए भी स्विच कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये सारी प्राइसिंग थी स्पीडबॉट की, एंड ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था कि हाउ पावरफुल इज स्पीडबॉट, और इसके एग्जीक्यूशन आप कितने अच्छे से कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी या हमारी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके, और एक आल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टेक अप द Q&A इफ यू वांट टू यू नो सजेस्ट अस समथिंग और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क। सो द फोरम इज ओपन टू ऑल। Okay, so I had a question from Nirav. Basically, he was having a question about, you know, if he wants to see our historical live traded histories, where he can see it. So, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप स्पीडबोट फर्स्ट कुछ कैन हेल्प मी टू नेविगेट टू द स्पीडबोट प्लेटफॉर्म एंड नेविगेट टू द लाइव ट्रेडिंग सेक्शन पोर्टफोलियो। श्योर श्योर Yeah, I'm in the live trading section. Yeah. Last board, that's the momentum board. Trade, staging, yeah, trade, staging. This one? Okay. Yes. Click on more information. Let's say you have a board that you have live execute. So, you can get more information. You can access the history option. You can access the historical board. ये सिचुएशन आता है, जैसे आपने स्टार्ट किया है एक लॉट्स एंड देन यू आर इंक्रीजिंग द लॉट्स, सिस्टम इज आस्किंग यू टू रीरन द और स्टार्ट विद द फ्रेश हिस्ट्री। तो वो जो फ्रेश हिस्ट्री चालू करता है तो आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो चला जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन के लिए मैंने उनको आंसर दिया कि आप हिस्ट्री जो है वहां से आप आपके जितने भी हिस्टोरिकल आपने रन किए हैं उसके प्रॉफिट्स और लॉस जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो। मेरे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आप कंफर्म कर दीजिएगा सर। सो मिस्टर श्रीवास्तव हैज अ क्वेश्चन के अपने जो बॉट्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स इन अ डे ट्रिगर होते हैं या नहीं। सो आई वुड लाइक टू आंसर दैट मिस्टर श्रीवास्तव के दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी ऑफ द बॉट्स। कुछ ऐसे बॉट्स हैं जो दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेते हैं, मतलब एक ट्रेड से मेरा मतलब है एक एंट्री हो गई और उसी पर्टिकुलर ट्रेड की एक एग्जिट हो गई। कुछ ऐसे बॉट्स हैं जो मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं ऑन मल्टीपल ड्यूरेशन ड्यूरिंग द मार्केट्स। तो इस हिसाब से अगर आपको एक स्ट्रैटेजी है विच यू वांट के मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड्स ले ड्यूरिंग द डे, तो वो चीज आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रैटेजी के पोजीशंस पे आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई ओपन दिस निफ्टी ओपनर 925 और यहाँ पे 993 पोजीशंस यहाँ पे इन टोटल मेंशन है। ठीक है, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, पेपर ट्रेड वाली आपको दिखाता हूँ जो लाइव मार्केट में अभी ट्रेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस फ्री निफ्टी TSL, इसके टोटल हाँ अभी जैसे कि 2 सितंबर को एक इसने एंट्री ली थी एट 1257 और एग्जिट किया था वो पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, और फिर दूसरा इसने एंट्री लिया था 2:03 पे और 245 को स्क्वायर ऑफ हो गया था। उससे पहले एक मिनट, एंट्री ये वाला, यस दिस वुड बी अ बेटर व्यू। हाँ, तो यहाँ पे आप 2 सितंबर का देख सकते हैं जो ENEN वाले जो टैग्स हैं उससे आप देख सकते हैं कि वो टाइम एंट्री ली थी।
और ये एग्जिट वाले, तो इसमें आपके इन टोटल करीब 3 से 4 ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। देर आर सम स्ट्रैटेजीज जो मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं 2 से ज्यादा बार भी, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही पोजिशन किसी स्ट्रैटेजी ने ली। हमारे कस्टमर्स की तरफ से कि जो MDD जो दिखाया जा रहा है दैट इज फ्रॉम टॉप विश्वनाथ, FIM strategies कैसे create कर सकते हैं? What is the max duration can be selected for the backtesting? 5 साल का backtesting कर सकते हो। Strategy create करने के लिए मैं quickly आपको option दिखा देता हूँ। सिर्फ आप उस options पे जाइएगा और YouTube पे जो reviews है उसे आप strategy create कर सकते हैं। तो आप boards में जाके एक बार create पे जाके आपको दिखा दीजिए कि board कहाँ से create होते हैं। Sure. और ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अलग से कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी विद रिक्वायर्ड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम अलग से कनेक्ट हो जाएंगे। तो या व्हेन यू क्लिक ऑन द बॉट सेक्शन एंड यू क्रिएट ऑन दिस क्रिएट बटन एंड यू कैन जस्ट नेम द बॉट कैंडलस्टिक, यू सिलेक्ट योर टाइम इंटरवल एंड you can just type it in, you know, let's say I have taken Reliance and click on continue, or what type of positions do you want for your strategy to trade in, long entry conditions you can define it, I mean if it is an indicator based strategy or if it is price action based, you can, you know, just select all these sections. And that's how you can use. Yes, yeah. Option was mainly index options के लिए. Which one are index option के लिए अभी आप कुछ एक दे strategy free बना सकते हो that will be available in next 1 or 2 weeks. जो उनका beta release करेंगे हम कुछ users उसमें invite करेंगे वो test करने के लिए और use करने के लिए वो particular feature. तो आपको वो notify कर दिया जाएगा. Index option का strategy आप नहीं बना सकते. Equity का strategy जो है वो खुद से बना सकते हैं. In order to create index option के लिए बैंक निफ्टी का जो डेटा है दैट इज अवेलेबल फॉर लास्ट 6 years, ऑलमोस्ट 6 years. From 2017, and for Nifty weekly options, we have data for last 2.5 months because you know the weekly expiry was started bit later than weekly expiry for the Nifty options. Yes.
So I guess we have answered all the questions, Tushar bhai. Please include indicators like plus TI, minus TI, multi-time frame. Sure, we can do that. Thank you for your suggestion. Yes, TI minus plus should be there, but definitely we can add it if not. Yes. Can I give a goal and target? Yes, when you are creating your own strategies, you can do that. I'm just running on the microphone access for a time being so that if anybody have any questions, he can just unmute himself and raise his questions. Let me just share that. Nirav ji ka question, who created marketplace strategies? Those are created by experts and creators who wants to publish that strategy to the marketplace. Speedboat have not created those strategies. Speedboat have done backtesting of those strategies. But those strategies are not defined by the Speedboat platform. Speedboat platform is mainly responsible for the execution part and the backtesting. Okay, thank you. Our stress coach should follow the next presentation of the content number 25 or 2 backtests. It would be great if you also include reference of using index in strategy creation, such questions taken on derivatives. The reference of using index in the strategy creator production and taken on the derivatives. See, we have the platform that is capable of creating any complex strategies. I mean, that is from index to derivatives, but और भी एक्सचेंजेस जो है उसके भी डेटा को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो लाइक एसजेएक्स डिस्टी एंड ऑल दैट तो प्लेटफॉर्म इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट बट इनके जो ऑप्शंस है वो हमने अभी यूजर्स के लिए इनेबल नहीं किया है सो अगर कोई भी स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है दैट यू वांट टू डेवलप देन यू कैन कांटेक्ट आवर टेक्निकल टीम एंड दे विल गेट इट डेवलप वी हैव माइनर चार्जेस फॉर द डेवलपमेंट दैट रियली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी दैट यू वुड लाइक टू क्रिएट सो यू कैन कांटेक्ट फॉर दैट Any other questions that people want to ask? Yeah, आप आपके माइक्रोफोन को भी अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. So, if anybody wants to do a question via audio, then we can do. कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछना हो कुछ ऐसे फीचर आपको सजेस्ट करना हो मल्टी टाइम फ्रेम शतोष जी बताया और किसी ने दैट फीचर विल बी अवेलेबल विल प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड विल डेवलप I guess that's it. I mean, okay, then whoever thinks that they are good to go and they don't have any questions, please help us to type in chat so that we can conclude this session. So one more thing that I wanted to tell people, okay, those who have joined us. Talking about the upcoming features and talking about the upcoming content that the Speedboat platform would be getting in for the next few months. के अभी जैसे के लाइक दिस वाज आवर फर्स्ट ऑफिशियल वेबिनार और इसमें वी टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू स्पीडबोट
एंड अभी जो नेक्स्ट वेबिनार होगा दैट वुड बी फोकस्ड ऑन द न्यू फीचर्स ऑफ स्पीडबॉट. लाइक तुषार भाई सेड के वी वुड बी ऑल्सो गेटिंग आर ऑप्शंस बिल्डर प्लेटफॉर्म लाइव, जिनमें आप के इफ यू हैव योर ओन स्ट्रेटेजी तो यू कुड यू नो क्रिएट बैक टेस्ट एंड मेक इट लाइव. और वो एक फीचर हम नेक्स्ट वेबिनार में देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने खुद के ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को क्रिएट कर सकते हैं. और इसके अलावा जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन बॉट और आपको ऐसे कोई भी ऐसे स्ट्रेटजीज हो गई, ऑप्शन सेलिंग की हो गई, ऑप्शन बाइंग की हो गई, तो इसका भी अलग कॉन्टेंट हमारी टीम ऐसे डेवलप करके आपके सामने लेके आएगी. इन टर्म्स ऑफ वेबिनार होगा ये, इन टर्म्स ऑफ जो यूट्यूब वीडियोज होंगे, तो एक काफी एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट का हमारा प्लान है अभी लेके आने का. अंटिल देन जो भी आपके फीचर सजेशन हो प्लीज डू लेट अस नो, ताकि वी एज एन प्लेटफॉर्म कैन यू नो डेवलप एंड हेल्प यू आउट जो आपके एल्गो ट्रेडिंग जो जर्नी है उसमें. इट वुड बी यू नो वेरी ग्रेट फॉर अस एंड फॉर यू एज वेल. आई गेस लेट्स कंक्लूड दिस तुषार भाई. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, guys. Thank you for tuning in.